वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग वीडियो में हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, तो वो हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे चालू होता है। बहुत दिनों बंद होने से कंप्यूटर ख़राब नहीं होता, बस उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैं फिक्स करके मैं आप सभी को बताऊंगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको बताया जाएगा। ये तू क्या कर रहा है, ये बदमाश, ये मुझे कोई काम करने नहीं देता है, ये सबसे बदमाश लड़को, ये सारे सेटअप करने में ना सबसे बदमाशी इसी ने की है। गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना सीपीयू हमारा ये है, इसमें हमें लाइन देना मतलब करंट देना है और चेक करना है कि कीबोर्ड में लाइट आ रहा है कि नहीं। तो हमने लाइट कर दिया, ये पावर बटन दबाया, फैन चल रहा है कि नहीं, फैन ये देखिए गाइस, कीबोर्ड में हमारा लाइट जल रहा है, इट मींस कुछ प्रॉब्लम है, अंदर सफाई करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं आगे गाइस। तो ये रहा हमारा सीपीयू, इसे हम फटाफट चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको खोला जाए फटाफट। ओप्स, इसमें हमारा मेजर प्रॉब्लम तो ये देखिए हमारा, तो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमारा रैम प्रॉपरली लगा ही नहीं है गाइस। ये रैम कहते हैं, जिसे नहीं पता ये रैम कहते हैं, ये रैम प्रॉपरली नहीं लगा है, इसे निकाल के बाहर रख देते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है गाइस, इसमें बहुत गंदगी है, ये हार्ड डिस्क प्रॉपरली फिक्स नहीं है। तो गाइस हार्ड डिस्क वापस हम लोग अरेंज कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही स्क्रू पे प्रॉपरली काम कर रहा है, बाकी सारे वायर्स तो ठीक हैं, ये वायर्स ठीक हैं। बेसिकली ना बहुत दिन से ना चलने से जंग लग जाता है गाइस। इन्हें आना जरूरी रहता है, आ जाओ तुम ही बना लो ना, आ जाओ गाइस। इन्हें ना सब कुछ देखना बहुत, इन्हें तो बहुत सब कुछ देखना पसंद। हाँ देख लो, लो बना लो, तुम ही कुछ बना लो। डस्ट देख रहे हैं गाइस, डस्ट, एक बार मैं झाड़ता हूँ अच्छे से प्रॉपरली। हाँ आप भी देखिए सर, मेरे सर भी देख रहे हैं। हाँ, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो आप भी देख लीजिए। नहीं लीजिए, आप ही बना दीजिए। ओ माय गॉड, ओनली डस्ट, क्या हुआ, डस्ट से भाग गए। कुछ भी नहीं है, ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड है, ये हमारा वो मेन सीपीयू जो होता है वो बॉक्स वो है, ये स्टार्टर है, ये हार्ड डिस्क है और ये मेन किट है, और कुछ भी नहीं होता है गाइस इसमें, बस। सर और कुछ होता है क्या, सर आप कुछ बताना चाहेंगे, इसमें कुछ बचा है नहीं ना, हो गया डन, ठीक है, थैंक यू। तो अब हमारा काम हो गया, अब हम स्टार्ट करके देखते हैं हमारा पीसी स्टार्ट होता है कि नहीं, लेट्स गो। तभी देखिए कीबोर्ड में लाइट नहीं आ रहा है, सिर्फ स्क्रीन पे लाइट जल रहा है यहाँ, बट अभी कुछ नहीं, वायरिंग सारे इधर है, ये माउस के वायरिंग है, तो हम एक बार वायरिंग करके अच्छे से प्रॉपर देखेंगे। वेट गाइस, तो वायरिंग के टाइम बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, ये हमारा मेन प्लग है जो करंट देता है इसमें, इसको इसमें लगाया जाता है, ये सब पुराने वाला माउस के लिए होता है, ये आप ये टीवी के लिए यूज़ होता है, ये यूएसबी है सारे, तो हम इसमें एक यूएसबी में कीबोर्ड के लिए यूज़ करेंगे।
एक हमारा ब्लूटूथ डिवाइसर है ऑटो कनेक्टर, इसको हम इसमें लगाएंगे। एक हमारा ऑडियो ऑक्स है तो इसको इसमें लगाएंगे। और एक हमारा इंटरनेट केबल है तो हम इसको एक इंटरनेट केबल है गाइस तो ये इसमें लगता है। ये हो गया, प्रॉपर हो गया गाइस सारा चीज मैंने देख ली। ये मेन प्लग, ये दूसरी चीज ये अपने यूज नहीं है, ये बस मेन ये यूज है। कीबोर्ड तो मैंने लगा दिया और माउस भी मैंने लगा देता हूँ। ये रहा माउस का भी लगा दो। माउस लगा दिया भाई। और मेन एक काम जो इसका डीवीडी आप किस में लगाएंगे, आप डीवीडी इसका ग्राफिक्स में लगाएंगे तो इसका डीवीडी ये इसके ग्राफिक्स में लगाना है। अरे आ जाओ आप ही बना लो। ओ बिल्ली गिरा दोगे क्या? ये देखिए तो भाई हमारा ये प्रॉपर हो गया है। अब बस फैन का वेट करते हैं, वन प्रेस में फैन स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्टार्ट हो गया गाइस तो अब इसको हम वापस लगा देते हैं गाइस। अब बारी है ऊपर। ओ माय गॉड लुक सी कैट जी, आपने तो बना दिया है। वेट तो गाइस हमारा कंप्यूटर हो गया स्टार्ट। नहीं हो रहा था गाइस स्टार्ट, देखिए हो गया कंप्यूटर गाइस स्टार्ट। तो गाइस देख लीजिए इसी प्रकार का हुआ वीडियो समाप्त। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो तो गाइस हो गया, हमने बहुत मेहनत की, वीडियो देखा अपने कैसे कुछ भी नहीं करना होता है गाइस। बहुत दिन से अगर बंद पड़ा हो आपका कंप्यूटर तो आप उसे एक बार खोलें, साफ सफाई करें, उसके वायर सारे निकालें और फिर उसको रीइंस्टॉल करें और आप एक बार चेक करें। अगर अदरवाइज नहीं हो देन आप एक बार चेक कराएं। हमारे तो गुरु थे, गुरुजी को देखिए, हमारे गुरुजी टुंटुन। तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा।